হেল্ল' ৱেলকাম টু ৰাইজিং নিউজ ভিভাৰ্ছ এতিয়া আমি খান ছাপ্লাই ৰ'দ ওচৰতে আহি কিনা আছে ইয়াতে আই এম চি হল আপুনি চাব পাৰমোলা বেক চাইডে আই এম চি হলতে ডেঞ্চিং বেষ্ট মম্ছ ছিজন ছেভেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্ট থ্ৰী আজি ইয়াতে ফিনালে যা আছে চ' এইটো ওপৰতে আমি খান স্পট আহি কিনে আছে আই ভি ইটোলা কনটেষ্টেণ্টখন লগতে কথা কৰোঁ আৰু অৰ্গেনাইজাৰ আৰু টাইটলি স্পনচাৰ তাৰখন লগতে কথা ক'লে ট্ৰাই কৰোঁ চ' ভিভাৰ্ছ এতিয়া আমি খান লগতে আজিলা এইটো প্ৰ'গ্ৰাম লগা পাৰ্টিচিপেণ্টছ খান মমছ খান আছে अभी तहन लोगों लो का करू हुआ तहनला एक्सपीरियंसिस का जर्नी दो किन का था किशे दुकान भी खान खुद बोले ट्राई करू सो so, आप लोगों का जो ये डांसिंग बेस्ट मॉम्स का जो जर्नी था ये कैसा रहा काफ़ी अच्छा रहा वैसे तो मैंने ऑडिशन में ऑनलाइन ही किया था लेकिन काफ़ी मतलब सपोर्ट मिल रहा है ऑर्गेनाइजिंग टीम से फिर अभी जैसे हम लोग गुवाहाटी से आए हैं ये भी गुवाहाटी से आए मैं भी गुवाहाटी से आई हूँ तो अभी अच्छा लग जो भी शुरुआत है जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ की है इन लोगों ने वेलकम जो जैसा वैसा जैसा किया है मैंने अच्छा काफ़ी अच्छा लगा है मैम आपका भी काइंडली एक बार एक्सपीरियंस अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते तो मेरा भी वही एक्सपीरियंस है मैडम जो बोला है क्योंकि हम लोग सेम जगह से आए हैं सेम कर रहे हैं ये तो ऑनलाइन दिया था मैं ऑनलाइन नहीं दिया था मैं लास्ट ईयर आया था तो टॉप टेन में था तो इस बार भी कोशिश किया आगे जाने के लिए फिर हम लोग का प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं होता है फिर भी ट्राई करेंगे থেংক ইউ বেষ্ট অফ লাকেংক ইউ চ' ভিভাৰ্চ আপুনিখন চাহ দিছনা এতিয়া আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম লা কণ্টেষ্টেণ্টখন লগতে কথা ঘূৰিছে এতিয়া আমি খান লাওঁ ওচৰতে ইটো প্ৰ'গ্ৰাম লা অৰ্গেনাইজাৰ আৰু টাইটেল স্পনচাৰ তাইবি আমি খান লগতে প্ৰেছনেট আছে তাহাঁৰ লগতে অলপ কথা কৰোঁ আৰু তাহাঁন লাভ আপুনি খান চব জনা দিছ নাই এইটো ডান্সিং বেষ্ট মমছৰ ছিজন ছেভেন যা আছে এতিয়া চ' ইটো লা পইলালা ছিজনখনতো কেনেকুৱা থাকিছে আৰু ইটোলা পিঠি দেৱি আৰু ছিজন কৰোঁ না নহয় এইটো খানবি কুৱেশ্যনখন আমি সোধাওদি কৰোঁ सो इत आप लोगों फर्स्ट थका दो प्रोग्राम ला ऑर्गेनाइजर श्री मुन्ना यादव तेई प्रोपराइटर ऑफ मूर्ति डांस खान अकेडमी अपने लोगों खान फर्स्ट अलग कोथा खुलवा सो सर जैसे कि सीजन सेवन चल रहे है डांसिंग बेस्ट मॉम्स का तो इससे पहले जितना भी सीजन था उसका एक्सपीरियंस काइंडली थोड़ा शेयर कर दीजिए तो पहले तो थैंक देगा आप लोगों न्यूज राइसिंग को कि आप लोग आके हमारा जो नोटिस ईस्ट सीजन सेवन का कवरेज कर रहा है और बातचीत करने के लिए भी बहुत शुक्रिया धन्यवाद और ये सीज़न वन से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2015 में और एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि सीज़न वन में छः या सात मम्मी को लेकर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था अभी ये भी प्रोग्राम मैंने शुरू किया अगर एवरी डे सोल्ट यानी श्री नहरथ जी अगर सपोर्ट नहीं करता तो शायद ये ये जर्नी मेरा अधूरा था तो मैं थैंक देना चाहूँगा श्री नरज जी को कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज सीज़न वन से लेकर सीज़न सेवन तक मैंने ये जर्नी को यहाँ तक पहुँचने का सफल रहा तो जितना भी क्रेडिट है वो उनको भी जाता है श्री नरज जी को अगर सपोर्ट ना मिले तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है तो इसीलिए मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और एक मम्मी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मैंने एक कॉन्सेप्ट लेके गया था नैरज जी के पास में कि ऐसा एक मोम का एक शो करना चाहते हैं एक रियलिटी शो तो उन्होंने मुझे जब मैंने उनको बताया तो उनको बहुत पसंद आया कि चलो सब मम्मी को तो किचन में दिन गुजर जाता है पूरा होल लाइफ तो एक अच्छा एक प्रपोजल है कि मम्मी का एक प्लेटफॉर्म मिलने का तो उन्होंने ये सुन के मुझे अच्छा उनको लगा और ये कॉन्सेप्ट मेरा भी नहीं था ये मेरा मिसेज मरथा यादव का था उन्होंने कहा मोम का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप ट्राई क्यों नहीं तो मैंने ट्राई किया आज ए सक्सेस भी हुआ आज सीवन सीज़न सेवन है आने वाला दिन में भी अगर आप लोग को सपोर्ट मिलता है तो मैं ये सीज़न स्टॉप नहीं होगा चलते रहेगा और बाकी बाकी तो हमारे जी बताएंगे। so, uh, इतलो दे टाइटल भी आसे दे दे दे, Welcome, sir. Uh, जैसे कि ऑर्गेनाइजर uh, ने कहा कि आप इस प्रोग्राम पे स्टार्टिंग से जुड़े हो आपका जो एक्सपीरियंसेस uh, रहा वो थोड़ा शेयर कर दीजिए देखिए मेहनत तो जो भी है वो सारा मुन्ना ही कर रहे हैं जगह जगह जाके ऑडिशन लेना मम्मियों को मोटिवेट करना इस मंच तक लाना और इसमें मैं यही कहूँगा कि जर्नी स्टार्टिंग से इतना इजी तो नहीं था और धीरे धीरे अब ये लग रहा है कि ये एक बड़ा इवेंट बनने जा रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सब लोगों को पता है कि डिमापुर में एक शो होता है जो मम्मी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और एक मम्मीज के लिए देखिए वैसे भी बहुत मुश्किल काम होता है कि वो अपनी हाउस वाइफ हो के वो अपना घर को चला के फिर एक टाइम निकाल के अपना खुद के लिए कुछ करना है तो फिर वो उस टैलेंट को वो भूल जाते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो हमने दोनों ने मिल ये एक इस प्लेटफॉर्म को देने का कोशिश किया है हम लोगों सोसाइटी को Uh, मुन्ना सर से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि सर जैसे कि ये डांसिंग बेस्ट मॉम्स ये डिमापुर का लोकल शो है क्या आप uh, कोशिश करोगे इसको एक uh, जितने भी विनर्स होता है इस शो का उनको नेशनल प्लेटफॉर्म देने का मैंने दिया जी टी में मेरा सुपर मोम का जो हुआ था सीज़न थ्री में मेरा सीज़न uh, फाइव का uh, मैंने उसको वहाँ तक तो पहुँचाया है सुपर मोम में टीवी शो में रियलिटी शो जो टीवी का होता बब्लिक भट्टाजी है जो विनर थी वो सीज़न फाइव के वो वहाँ तक तो पहुँचा है और मैं कोशिश करूँगा बाकी को मम्मी को भी वहाँ तक तो पहुँचाने के लिए थैंक यू सर